हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह का जो बोर्ड होता है इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, जो बोर्ड में इतने सारे तार होते हैं इसे कनेक्ट हम कैसे करते हैं, चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा बोर्ड है जो कि एक मॉडुलर बोर्ड है और ये 16 नंबर का बोर्ड है, मतलब 16 मॉडल इसे कह सकते हैं। तो इतना सारे तार इसमें कनेक्ट किए हुए दिख रहे हैं, तो इसे हम कैसे जानेंगे कौन सा हमारा है और कौन सा तार किस चीज़ का है, फेज न्यूट्रल अर्थ इन्वर्टर के लिए कौन कौन सा तार गया हुआ है। तो ये बोर्ड देखिए, इसे हम काउंटिंग इस तरह से करते हैं, तो ये टोटल हमारा ये 16 मॉडल का बोर्ड है। तो जो सॉकेट है उसमें हम दो स्विच का गिनती करते हैं, इसी आधार पर टोटल ये 16 होता है और ये यहाँ पर इस तरह से फिट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, अर्थ पॉइंट कौन सा है और इन्वर्टर का वायर कौन सा है। तो सबसे पहले जो ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये हमारा फेज है जो यहाँ पे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आया हुआ है तीनों में, और ये जो रेड वहीं से आउट किया है वो हमारा बगल वाले रूम में चला गया है। तो ये हमारा फेज हो गया इस तरह से, और इसी से ऊपर में जो हमारा स्विच लगा हुआ है, देखिए ये ऊपर का जो स्विच है ये हमारा इसी नीचे वाले टर्मिनल से येलो कलर के ऊपर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया गया है। और इसके बाद ये फेज हमारा काम हो गया यहाँ पे फेज का, उसके बाद न्यूट्रल का काम आता है। न्यूट्रल जो है, देखिए ये जो 5-पिन सॉकेट है इसमें हमारा एक फेज और न्यूट्रल आता है, तो न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट हुआ है ब्लू कलर के वायर से, और ये जो कि उधर से बगल वाले रूम से आया हुआ है ब्लू कलर का जो आया है, ये हमारा कॉमन होके बगल वाले सॉकेट में भी चला गया है। तो मतलब वहाँ पे न्यूट्रल है और वहाँ से ऊपर इंडिकेटर के लिए भी वहीं से कनेक्ट होके कॉमन हो गया है। तो इस तरह से न्यूट्रल का काम हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा स्विच है उससे हमें सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो ये येलो कलर का जो वायर है वो फेज वाले टर्मिनल से इन करके स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में चला गया है। उसी तरह यहाँ पे देखिए लाइन वाला को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से सॉकेट का यहाँ पे काम हो गया। अब ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर है, देखिए ये फ़ैन का हमारा रेगुलेटर है। तो इसमें भी फ़ैन रेगुलेटर के दो तार होते हैं, जो कि एक हमारा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है, और जो दूसरा पॉइंट है मतलब जो दूसरा वायर है ये हमारा अब फ़ैन के पॉइंट तक चला गया है। ब्लैक कलर का जो ये है ये फ़ैन के पॉइंट तक चला गया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इतने सारे जो काला कलर का जो हमारा वायर है ये सारा पॉइंट का है, मतलब फ़ैन का है, ट्यूबलाइट का है, लाइट्स और इस तरह के अलग अलग पॉइंट के लिए जो हम होता है इसी में कनेक्शन किया हुआ है। तो ये जितने भी ब्लैक है ये हमारा सारे पॉइंट्स के लिए दिया हुआ है, सारे स्विच से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमारा एक तार बच जाता है, दो येलो, ये जो दो येलो कलर दिख रहा है ये हमारा इन्वर्टर का है, जो एक इन्वर्टर में इन कर रहा है, मतलब स्विच बोर्ड में हमारा इन कर रहा है और इसी बोर्ड से एक दूसरे रूम में दूसरे स्विच बोर्ड में आउट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दो पीला कलर का तार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जब भी इन्वर्टर का कनेक्शन होता है तो इसमें पीला कलर को हमको जो मेन सप्लाई है उससे हमें अलग कर देना पड़ता है, मतलब सेपरेट कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे बीच में आप देखिएगा तो यहाँ पे कनेक्शन इसका अलग कर दिया गया है मेन लाइन से, और ये जो सॉकेट है उसमें भी इसका सप्लाई दे दिया गया है इन्वर्टर से, ताकि ये इन्वर्टर भी, इन्वर्टर से हमारा जो तीन स्विच है वो कंट्रोल होगा और साथ में ये 5-पिन एक सॉकेट जो है वो हमारा कंट्रोल होगा। और जो ग्रीन कलर होता है ये हमारा अर्थ के लिए यूज़ होता है, तो ये इस तरह से इसका वायरिंग होता है। तो देखिए इतने सारे तार देख कर कभी घबराइएगा मत, इस तरह से इसका कनेक्शन आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है आप बताइएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।